मेरा सवाल आपसे यह होगा कि नगर पालिका का जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष समय उनके परिवार से ही तीन, मुझे लगता है जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी है कि नाला जो है वो कहीं ना कहीं गुंडई और धन उगाही का माध्यम बनेगा नगर के अंदर, तो जनता जानती है कि कहीं ना कहीं आरोप आपका जो लगा रहे हैं, आरोप लगाना सही है क्योंकि आरोप कहीं ना कहीं ऐसा लगा जो कि चुनाव लड़ने की आपने आवश्यकता, दोनों कार्यकाल अड़ोसी और पड़ोसी के रहे हैं, नाला और लाला, कहीं ना कहीं वो ये विश्वास दिखाएंगे, मुझे ये जिम्मेदारी जनता देती है, तो मुझे लगता है कि मैं शहर के अंदर परिवार के नहीं, साथ तीन बार का कार्यकाल रहा, उससे पहले भी एक परिवार के, दोनों ही परिवार इस बार फिर जोर शोर से मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है, उनका भी यही कहना है ना, नाला और लाला इस पर नहीं जीत होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, आपका ही कोई कहना है, आपको क्या लगता है कि ये जो तीन बार का कार्यकाल रहा और उनका भी यही कार्यकाल रहा, फिर से वो लोग मैदान में बात कर रहे हैं, प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, लगातार जो बड़े माफिया हैं उनकी लिस्ट बन रही है, लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है, क्या आपको लगता है कि फर्रुखाबाद में अगर यह जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो चुनाव जीतते हैं, तो लाला की तो लाला सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुनाव मैदान में है, पहले तो वो निर्दलीय तैयारी कर रहे थे, फिर बाद में जो कि कहीं ना कहीं नाली की समस्या हो या सड़कों की समस्या, मुझे नहीं लगता है कि जनता वहां अपनी खुल करके कोई आवाज उठा पाएगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रकाश और आप देख रहे हैं पीपीएफ लाइव। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं फर्रुखाबाद नगर पालिका क्षेत्र से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी जो लड़ रही हैं बिट्टू देवी जी के पुत्र के साथ आशीष प्रताप सिंह जी, उनसे ही कुछ चर्चा करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दें कि यह वही आशीष प्रताप सिंह जी हैं जो बीते करीब 6 महीने पहले से पोस्टर बैनर के चलते काफ़ी चर्चा में आए थे। तो आशीष जी, पीपीएफ लाइव के आपका स्वागत। धन्यवाद आप लोगों का और फर्रुखाबाद नगर की देवतुल जनता को सादर प्रणाम मेरा। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह होगा कि नगर पालिका का जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष समय उनके परिवार से ही तीन कार्यकाल रह चुके हैं, आपको क्या ऐसा लगा जो कि चुनाव लड़ने की आपने आवश्यकता समझी? देखिए, उनके कार्यकाल को तो मुझसे ज़्यादा इस शहर की जनता जानती है और जनता को भली भांति पता है कि शहर में समस्याएँ क्या हैं। 15 वर्षों का जो कार्यकाल रहा हो, चाहे वो पिछले 10 सालों का कार्यकाल रहा हो, दोनों कार्यकाल अड़ोसी और पड़ोसी के रहे हैं, नाला और लाला, तो इन दोनों को देखते हुए समस्याओं को जो मैंने देखा है पिछले 15 वर्षों से, कि मैं मैनपुरी में बदलाव हो गया, हरदोई में बदलाव हो गया, शाहजहाँपुर में बदलाव हो गया, तो फर्रुखाबाद में क्यों नहीं बदलाव हो सकता है? और पिछले 15 वर्षों से मैं ना, मेरा राजनीतिक जीवन रहा है, अब तक मैंने चुनाव लड़ाए हैं, लेकिन प्रथम दरमियान मेरा परिवार से मेरी माताजी चुनाव लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं नगर पालिका क्षेत्र में एक बदलाव का संकेत है ये, और मैं जनता को एक विकल्प के रूप में ये अवसर देना चाहता था, तो मैंने उसी अवसर के तहत मैंने जनता को ये अवसर है कि इस बार बदलाव हो, कहीं ना कहीं विकास रूपी एक अध्यक्ष जो विकास को एक नया आयाम दे, नगर में नई पहचान दे, ताकि फर्रुखाबाद में भी नई नई व्यवस्थाएं लागू हों, चाहे वो डिवाइडर रोड की हों, चाहे वो हिस्टोरिकल स्ट्रीट लाइट की हों, चाहे वो पार्क की हों, चाहे वो चिकित्सालय की हों नगर पालिका के, चाहे वो गरीब मध्यम वर्गियों के लिए बारात घर की हों, चाहे वो अपने बच्चों के लिए स्कूली व्यवस्था हो, तो ये बुनियादी व्यवस्थाएँ जो हैं तो इनको लेकर के मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए अपनी माता जी का साथ में मैं उनका समर्थन किया, मैं उनको लड़ा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है फर्रुखाबाद की देवतुल्य जनता के ऊपर कि कहीं ना कहीं वो ये विश्वास दिखाएंगे और परिवर्तन की ओर अपने मेरे चुनाव चिन्ह माता जी का जो है पंखा 8 नंबर ब्लॉक में है, उस पर अपनी मुहर के रूप में अपना आशीर्वाद रूपी वोट हमको जरूर देंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, क्योंकि मेरे लिए मेरे हर वर्ग, क्योंकि मेरा कार्यकर्ता हो तो है तो जनता है, मेरे समर्थक हैं तो वो जनता जनार्दन है, मेरे अपने शुभचिंतक हैं तो वो जनता जनार्दन है, मुझे मेरे पास जो भी साधन थे मैंने उन साधनों के माध्यम से जितना जनता से मैंने जुड़ने की कोशिश की मैं जुड़ा और आने वाले 2 दिनों में मैं और जुड़ूंगा। चुनाव चिन्ह तो मैंने हर घर तक पहुंचाया है, जो समस्याओं को लेकर के मैंने संवाद भी 6 महीने से किया है और कुछ 6 महीनों में मैंने समस्याओं का निस्तारण भी किया है,
और वो अगर उसी तरीके से अगर मुझे ये जिम्मेदारी जनता देती है तो मुझे लगता है कि मैं शहर के अंदर एक नई पहचान, नए युग की शुरुआत करूंगा, ताकि फर्रुखाबाद भी एक साफ सुथरे शहर में गिना जाए, एक अच्छे विकासशील रूपी शहर में गिना जाए, ताकि लोग यहाँ आए। बात कर लेते हैं अगर पिछले कार्यकालों की, तो एक परिवार के साथ तीन बार का कार्यकाल रहा, उससे पहले भी एक परिवार के, दोनों ही परिवार इस बार फिर जोर शोर से मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है, उनका भी यही कहना है नाला और लाला इस पर नहीं जीत होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, आपका ही वही कहना है। आपको क्या लगता है कि ये जो तीन बार का कार्यकाल रहा और उनका भी यही कार्यकाल रहा, फिर से वो लोग मैदान में हैं, तो क्या जनता को उन पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी है कि नाला जो है वो कहीं ना कहीं गुंडई और धन उगाही का माध्यम बनेगा नगर के अंदर, तो जनता जानती है कि कहीं ना कहीं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव मैदान में है कि हम राजनीति में किसी तरह खड़े रहें। और रही बात लाला की, तो लाला सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुनाव मैदान में है, पहले तो वो निर्दलीय तैयारी कर रहे थे, फिर बाद में हाथी की सवारी कर ले गए, तो मुझे लगता है हाथी की सवारी पे के माध्यम से दलितों को वंचितों को ठगने का काम जो है वो लाला पूर्ण रूप से 15 वर्ष से करते आए हैं और वो फिर करेंगे। गुंडे की आप बात कर रहे हैं, प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, लगातार जो बड़े माफिया हैं उनकी लिस्ट बन रही है, लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है, क्या आपको लगता है कि फर्रुखाबाद में अगर यह जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो चुनाव जीतते हैं तो फिर से ऐसा हो सकता है? कैसे? देखिए, ऐसा होने के लिए क्यों आरोप आपका जो लगा रहे हैं, किस तरीके से आरोप लगाना सही है? क्योंकि आरोप कहीं ना कहीं पिछले कार्यकालों में भी संरक्षण प्राप्त था फर्रुखाबाद में कई ऐसे दिग्गज लोगों को, और वो संरक्षण कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर से जिस तरीके से महाराज जी ने इतनी मेहनत से इतनी शिद्दत से जो कार्य किए हैं, गुंडई को माफियाओं को खात्मा करने का कार्य किया है, तो मुझे लगता है यदि इनको मौका दिया तो नगर में एक ठेकेदारी में कमीशन की प्रथा और गुंडई और दबंगई नगर पालिका में लागू होगी, जो कि कहीं ना कहीं नाली की समस्या हो या सड़कों की समस्या, मुझे नहीं लगता है कि जनता वहाँ अपनी खुल करके कोई आवाज़ उठा पाएगी। तो ये थे हमारे साथ आशीष प्रताप सिंह जी, इनकी माता जी जो हैं फर्रुखाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं और इनका चुनाव चिन्ह है पंखा, जिन्होंने बताया कि अगर इनको मौका मिलता है, नगर क्षेत्र की जनता अगर इनको मौका देती है और प्रत्याशी के रूप में स्वीकार करती है नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, तो यह एक सुंदर फर्रुखाबाद देने की पूरी कोशिश करेंगे और गरीबों के लिए जो पिछले 25 सालों में जो योजनाएँ नहीं लागू हो पाई उनको पूर्णतया लागू करेंगे।